कार्तिक मास के पवित्र महीने की कथा का 20वां अध्याय शुरू करने से पहले हम ये समझें कि इस अध्याय में देवी देवताओं के आशीर्वाद और उनकी कथाओं का विशेष वर्णन मिलेगा। हर कथा में विशेषत कार्तिक मास की इस महिमा में कई गूढ़ बातें छुपी होती हैं, जो मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक शक्ति, संयम और सच्चाई का साक्षात्कार कराती है। इस अध्याय में एक कथा है जहाँ युधिष्ठिर का सामना महाकाल के एक ऐसे भक्त से हुआ जिसने अपने जीवन में अभूतपूर्व संयम और भक्ति का परिचय दिया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महान योद्धा अश्वत्थामा थे। कथा का आरंभ तब हुआ जब युधिष्ठिर और उनके भाई कार्तिक मास में तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त किए और अपने मन को संयमित करते हुए ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। एक दिन युधिष्ठिर और उनके भाई एक घने वन में जा पहुँचे जहाँ एक तपस्वी ध्यान में लीन थे। उनकी देह गंगा की शीतल धारा से धोई जा रही थी और उनका चेहरा संतोष और शांति से ओतप्रोत था। युधिष्ठिर को ये अनुभूति हुई कि इस तपस्वी में एक दिव्य शक्ति है। युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर उनका अभिवादन किया और पूछा, हे महात्मन, क्या आप हमें बताने की कृपा करेंगे कि आप कौन हैं और आपने ये तप क्यों धारण किया है? तपस्वी ने अपनी आँखें खोली और युधिष्ठिर की ओर देखा। उन्होंने कहा, मैं अश्वत्थामा हूँ, द्रोणाचार्य का पुत्र। मेरे जीवन में भले ही संघर्ष और दुख की भरमार रही हो, परंतु मैंने महाकाल की शरण में अपनी पीड़ा को समर्पित कर दिया है। मुझे अमरता का वरदान प्राप्त हुआ है, परंतु ये वरदान मेरे लिए बोझ बन गया है। मैंने हर एक कार्तिक मास में तपस्या की है ताकि मेरा हृदय शुद्ध हो सके और मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा के इस कथन को सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हे महात्मन, आप इतने महान योद्धा और महाकाल के उपासक हैं, कृपया हमें अपनी कथा सुनाएं ताकि हम आपके अनुभवों से सीख सकें। अश्वत्थामा ने उन्हें बताया कि कैसे महाभारत के युद्ध के बाद उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें शापित होना पड़ा। लेकिन महाकाल की कृपा से उन्होंने कार्तिक मास के दौरान तपस्या कर अपने पापों का प्रायश्चित करना शुरू किया। हर कार्तिक मास में जब पवित्र गंगा नदी में स्नान करते हैं तो उनका मन शांत होता है और वह अपने पिछले कर्मों से मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। अश्वत्थामा की ये कथा सुनकर युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने ये निश्चय किया कि वे भी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इसी पवित्र महीने में साधना करेंगे और भगवान शिव की आराधना करेंगे। युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने अश्वत्थामा की कथा से प्रेरणा लेकर कार्तिक मास के दौरान पवित्र गंगा के तट पर शिव आराधना का संकल्प लिया। उन्होंने अपने मन को शुद्ध रखने के लिए कठोर व्रत धारण किया और इस मास में किसी भी प्रकार की अनैतिक प्रवृत्तियों से बचने का प्रण किया। अश्वत्थामा ने उन्हें महाकाल की उपासना का महत्व बताया और समझाया कि कार्तिक मास में किए गए तप का प्रभाव जीवन भर बना रहता है। अश्वत्थामा ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस मास में किया गया तप, सेवा और भक्ति असंख्य जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। महाकाल स्वयं इस मास में पृथ्वी पर निवास करते हैं और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनका आह्वान करता है उसे वे आशीर्वाद देते हैं। महाकाल केवल रूप से ही नहीं बल्कि भाव से भी अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं। यदि मनुष्य अपनी समस्त इच्छाओं को छोड़कर इस मास में तप करता है तो वो अपने जीवन को सफल बना सकता है। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा, हे महात्मन, क्या आप हमें ये बताने की कृपा करेंगे कि महाकाल की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? अश्वत्थामा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाकाल की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा मार्ग है त्याग और समर्पण। जब मनुष्य अपने अहंकार, इच्छाओं और मोह को त्याग कर अपने आप को पूर्णतः महाकाल के चरणों में समर्पित कर देता है, तब वह उनकी कृपा का पात्र बनता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, रुद्राभिषेक और शिव नाम का जाप करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इस मास में किया गया दान दक्षिणा भी कई गुना फल देती है। अश्वत्थामा के उपदेश सुनने के बाद युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने दृढ़ संकल्प लिया
कि वे प्रतिदिन कार्तिक मास में गंगा में स्नान करेंगे और महाकाल की आराधना करेंगे। उन्होंने गंगा के शीतल जल में स्नान किया और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया। इसके बाद उन्होंने गंगा तट पर शिवलिंग की स्थापना की और वहां रुद्राभिषेक आरंभ किया। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने भी इस पवित्र साधना में युधिष्ठिर का साथ दिया। उन्होंने भी महाकाल के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए अपनी इच्छाओं का त्याग किया और तपस्या में लीन हो गए। इन पांडवों का ये समर्पण देखकर गंगा माता भी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इनका व्रत सफल हो। कार्तिक मास के समापन पर जब पांडव अपनी साधना पूरी कर रहे थे, तभी महाकाल ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे पांडवों, तुमने अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए कठिन तप किया है। तुम्हारा ये प्रयास तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष देगा। कार्तिक मास में किया गया ये तप तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण करेगा। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। महाकाल का आशीर्वाद पाकर पांडव भाव विभोर हो गए। युधिष्ठिर ने महाकाल से कहा, हे प्रभु, हम आपके प्रति सदा कृतज्ञ रहेंगे और आपका आशीर्वाद हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक बनेगा। इस प्रकार कार्तिक मास की यह कथा पांडवों के लिए एक नया जीवन पाठ बन गई। उन्होंने यह सीखा कि सच्ची भक्ति और तप से जीवन के कठिन से कठिन कष्टों को पार किया जा सकता है और ईश्वर की कृपा से जीवन में शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। इस अध्याय का ये संदेश है कि कार्तिक मास में की गई तपस्या केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को उसके आत्मिक उद्देश्यों की ओर अग्रसर करता है। जो भी व्यक्ति इस मास में अपनी इच्छाओं और अहंकार का त्याग करके ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से साधना करता है, उसे अद्वितीय पुण्य की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर और उनके भाइयों का ये अनुभव आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और कार्तिक मास की इस कथा के माध्यम से हमें भी ये सीखने का अवसर मिलता है कि साधना, त्याग और समर्पण के बिना ईश्वर की कृपा प्राप्त करना असंभव है। पांडवों के जीवन में कार्तिक मास की ये साधना एक अमूल्य अनुभव बन गई थी। महाकाल का आशीर्वाद पाकर उनके मन में आत्मिक शांति और स्थिरता का संचार हुआ। युधिष्ठिर ने अनुभव किया कि जीवन के सारे संघर्षों और विजित राज्यों से परे परमात्मा की भक्ति और शरणागति ही सच्ची विजय है। इस साधना ने उन्हें आंतरिक रूप से इतना सशक्त कर दिया कि उनके मन से भौतिक सुखों और लौकिक मोहमाया का बंधन धीरे धीरे छूटने लगा। महाकाल के आशीर्वाद के साथ पांडवों को एक दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने भविष्य की झलक देखी। इस दृष्टि में उन्होंने देखा कि आने वाले समय में कौरवों और पांडवों के बीच एक महान युद्ध होगा, जिसमें अनेक निर्दोषों का बलिदान होगा और सारा राज्य विनाश की कगार पर आ जाएगा। युधिष्ठिर का मन ये देखकर विचलित हो गया और उन्होंने महाकाल से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि हमारे भविष्य में ऐसा अंधकार छिपा है तो कृपया हमें इसका कोई उपाय बताएं। महाकाल ने गंभीर स्वर में कहा, हे युधिष्ठिर, ये विधि का विधान है। महाभारत का ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है, जो होना अवश्यंभावी है। परंतु ये मत भूलो कि तुम सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए जन्मे हो। जब युद्ध का समय आएगा तब तुम अपने धर्म का पालन करोगे और उस संघर्ष में ही तुम्हारी आत्मा की मुक्ति का मार्ग छिपा होगा। महाकाल ने आगे कहा, लेकिन याद रखना, कार्तिक मास में की गई ये साधना तुम्हारे जीवन के हर संकट में तुम्हें धैर्य और संयम प्रदान करेगी। ये तुम्हारा सहारा बनेगी और तुम्हारे अंतर्मन को शांति देगी। जो भी इस मास में साधना करता है, उसे जीवन के हर कठिनाई में ईश्वर का अदृश्य हाथ सदा सहारा देने को तैयार रहता है। पांडवों ने महाकाल के इस उपदेश और भविष्यवाणी को सुनकर गहरा संतोष पाया और निश्चय किया कि वे कार्तिक मास की इस महिमा का प्रचार करेंगे, ताकि लोग इस मास के महत्व को समझें और ईश्वर की भक्ति और साधना में अपनी जीवन शैली को बदल सकें। पांडवों ने अपने साथियों और राज्य के नागरिकों को भी कार्तिक मास के व्रत, तपस्या और साधना के महत्व को समझाया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार महाकाल की आराधना और गंगा स्नान पापों का नाश करता है।
और मनुष्य को शुद्धता की ओर अग्रसर करता है। इस अनमोल अनुभव के बाद युधिष्ठिर ने विचार किया कि कार्तिक मास की इस साधना को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए एक विशेष स्थान का निर्माण किया जाए, जहां लोग इस मास में आकर साधना कर सकें और महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर गंगा तट पर एक आश्रम की स्थापना की, जहां प्रतिवर्ष कार्तिक मास में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, गंगा स्नान और शिव आराधना का आयोजन होता। इस आश्रम में आने वाले साधक और श्रद्धालु पांडवों की प्रेरणा से महाकाल की भक्ति और तप का अनुसरण करने लगे। यहाँ आने वालों ने अपनी आंतरिक शांति और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्राप्त की। युधिष्ठिर ने इस स्थान को महाकाल कार्तिक धाम का नाम दिया और इस पवित्र धाम की महिमा पूरे भारतवर्ष में फैलने लगी। महाकाल कार्तिक धाम से प्रेरणा पाकर समाज के हर वर्ग के लोग कार्तिक मास की भक्ति को अपनाने लगे। धीरे धीरे ये परंपरा इतनी मजबूत हो गई कि हर गांव और नगर में कार्तिक मास के दौरान धार्मिक कार्यक्रम, गंगा स्नान और सामूहिक साधना की परंपरा स्थापित हो गई। लोगों के मन में ये विश्वास पुख्ता हो गया कि कार्तिक मास का पालन करने से उनके पाप नष्ट हो सकते हैं और उनकी आत्मा शुद्ध हो सकती है। इस प्रकार पांडवों की इस साधना का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस मास के व्रत, तप और भक्ति के माध्यम से लोगों को आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखा। महाकाल कार्तिक धाम की स्थापना और कार्तिक मास के महत्व का ये प्रसार लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और आध्यात्मिकता का संचार कर गया। अध्याय 20 का ये संदेश हमें ये सिखाता है कि जब हम परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए साधना करते हैं, तो हमारे जीवन के सारे दुख और संकट अपने आप मिटने लगते हैं। महाकाल का ये आशीर्वाद केवल पांडवों को ही नहीं, बल्कि हम सभी को ये प्रेरणा देता है कि भक्ति और साधना से हम अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। आज कार्तिक मास की यह कथा हमें ये समझाती है कि ये पवित्र समय अपने आप को समर्पण, ज्ञान और तपस्या के मार्ग पर अग्रसर करने का अवसर है, ताकि हम अपनी आत्मा को निर्मल बनाकर ईश्वर की शरण में सच्चा आनंद प्राप्त कर सकें।